आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस दुबे ब्लॉग पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं और गर्मी बहुत है जैसे कि बाहर। मैंने आज मना तो किया था, डिले किया था कि नहीं जाऊँगी, बट एक्चुअली जहाँ जाना है वहाँ से बार बार आ रहा था मैसेज, कि कॉल आ रहा था कि नहीं मैम आइए आइए आइए, तो हम इसलिए जा रहे हैं। और तो हम आपको आके घर में बताएंगे कि किस लिए कैसे क्या हुआ सब बताएंगे। तो चलते हैं, हम लोग पकड़ेंगे मेट्रो। तो पहले जाएंगे यहाँ से अक्षरधाम, अक्षरधाम से पकड़ेंगे मेट्रो। उन्होंने बॉटल अपना ठंडा पानी भर लिया है तो बस हम लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि गर्मी में पानी बहुत ज़रूरी है साथ में ले जाना। और बस निकलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्लॉग पर हमारे बने रहें। गाइस अब हम निकल रहे हैं और गुन ने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो बोली नहीं दीदी गर्मी भी बाहर है, धूप जैसे बहुत तेज है, तो इतनी गर्मी में भी नहीं सही लगता है। तो बस ड्रेस चेंज कर लिया, बोली अब चलते हैं, तो हमने कहा हाँ ठीक है, तो अब हम लोग निकलते हैं। तो गाइस हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं, अक्षरधाम जा रहे हैं स्टेशन, तो देख सकते हैं अब चलते हैं मेट्रो पकड़ते हैं। तो गाइस यहाँ हमने मेट्रो पे बैठ गए हम और गुनगुन, तो गुनगुन उधर सीट पे बैठी है। गाइस हम लोग आ गए हैं द्वारका सेक्टर 12। अब यहाँ क्यों आए ये भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो में बने रहें। तो गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं मेट्रो से निकल के, और ये है सिटी सेंटर मॉल। तो हमें जाना है एक्चुअली कोलाब्रेशन के लिए, ब्रांड से आया था तो बहुत मना किया, दूर बहुत था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं प्लीज़ आ जाइए मैम आ जाइए। तो फिर हम और मेरी सिस्टर और हमने अपनी 2 ID लगा के हम दोनों ने ही अपने लिए कर लिया है पैकेज, तो कुछ पढ़ना नहीं है एक्चुअली, उनका प्रमोशन करना है बस, और हम लोग का भी काम बन जाएगा और उनका भी तो ये जुगाड़ भी हो गया हम लोगों का। मतलब मेरी 1 ID सेलेक्ट थी, बट मैंने कहा दूसरी ID में मेरी, मैं सिस्टर का करवा दे रही हूँ तो उनका, तो बस ढूंढती हूँ देखती हूँ कहाँ है ग्लिच स्टूडियो, तो सिटी सेंटर पे था 2nd फ्लोर। अब मैं चेक करती हूँ, जब तक हमारे ब्लॉग पर बने रहे। हम पहुँच चुके हैं 2nd फ्लोर पे हैं, मैंने गूगल से देखा था तो मुझे ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ा, बस मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है, तो बस पहुँच गए हैं। अब हम अंदर जाते हैं और वीडियो शूट करते हैं। तो देख सकते हैं 2nd फ्लोर में ढूँढा तो यहाँ पर है ग्लिच स्टूडियो, यहाँ मिला हमें। तो बस अब बाहर से देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है, तो बस चलते हैं अंदर, अंदर जा कर विज़िट करते हैं। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारा विज़िट का, तो अब हो रहा है हमारा यहाँ पे हेयर्स वॉश शैम्पू से, जो कि यहाँ पे 5 पैकेज में 2 चीज़ लेनी थी, तो हेयर स्पा था, हेयर कट था, डिटेन था और मैनीक्योर पेडिक्योर। तो हमने करवाया था हेयर स्पा हेयर कट हमने और गुनगुन दोनों ने मिलकर, तो हमारा हो रहा है अभी हेयर स्पा, जो कि वो हेयर स्पा की क्रीम लगा के अच्छे से मसाज करेंगी, बालों में एब्जॉर्ब करें क्रीम जिससे कि अच्छे से बालों में पहुंच जाए। तो इनका हाथ ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, मुझे मज़ा आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था इनका हाथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये मुझे दे रही है मसाज, तो उसके लिए थोड़ी लाइट बंद कर दी थी इन्होंने जिससे कि रिलैक्स फील हो हमें, और बोला था आग बंद कर लीजिए और आप रिलैक्स फील होंगे जैसे। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मसाज दिया मुझे, तो और उसके बाद हुआ मेरा हेयर कट। तो हेयर कट ये भैया कर रहे थे, तो उसमें भी मतलब मसाज के बाद तो बहुत रिलैक्स फील हुआ, उसके बाद उन्होंने हेयर कट दिया हेयर वॉश करके हमारा। तो बस अब बालों में हेयर कट हो रहा है, तो हो रहा है स्टेप कटिंग में, तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है। कटिंग का कुछ और नाम था बट है स्टेप कटिंग में, तो ये हमारे बालों की कटिंग हो चुकी है। तो भैया देख रहे हैं सेट करके कि कोई बाल छूटे तो नहीं है, तो पहले बीच की मांग निकाल कर देख रहे थे, फिर साइड की मांग देख रहे थे निकाल के कि हेयर कट बराबर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेप कटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बस उन्होंने भैया ने हेयर कट दिया, फिर मैंने बोला भैया मैं साइड की मांग करती हूँ, तो फिर भैया ने मेरा साइड से करके स्टेप ऐसे दिखाया था कि देख सकते हैं देखिए मैम कैसा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लुक आया था, बहुत अच्छा लगा था, आप लोग भी देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा हेयर कट कैसा लगा, इन्होंने कैसा किया, तो मुझे तो अच्छा लगा था। और अब बारी है गुनगुन की, तो अब गुनगुन का भी होने वाला है हेयर स्पा एंड हेयर कट, तो अभी इनका हेयर वॉश हो रहा है शैम्पू करके, तो इनका भी हेयर वॉश हो गया, तो अब इनका हो रहा है हेयर स्पा, तो ये भैया करेंगे।
तो भैया आप कर रहे हैं हेयर स्पा क्रीम, वो भी लगा रहे हैं, तो देंगे उसके बाद इनको भी अच्छे से मसाज, हेयर स्पा कर रहे हैं तो हेयर की, और काफ़ी हेयर स्पा पे रिलैक्स फील हुआ जिससे कि आपका सर दर्द भी दूर हो जाता है। अच्छे से उन्होंने मसाज दिया था और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। इन्हें भी गुनगुन भी बोली दीदी बहुत मज़ा आया था, तो इनके भी 2 मिनट छोड़ दिया है क्रीम को एब्जॉर्ब होने के लिए। अब इसके बाद इनका हेयर वॉश किया, अब भैया दे रहे हैं इनको हेयर कट। तो इनका हेयर कट है लेयर कट पे था, इनका भी कुछ बताए थे, बोले लेयर पे स्टेप देंगे, तो मैंने गुनगुन से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बोली नहीं दीदी यही स्टेप करवाएंगे। तो उनका लेयर कट पे था गुनगुन का। और ये है अंदर ग्लीच स्टूडियो का, तो जो मैंने लिया था, और एक्चुअली कस्टमर आई थी तो वो पैकेज के बारे में बात करी थी, इन्होंने ले रखा था पैकेज, तो हम लोगों का तो फ्री में था, तो हम लोगों को कोई देना तो था नहीं, पे नहीं करना था, ओनली हम लोग को विज़िट करने आए थे इनका ग्लीच स्टूडियो का, तो हम लोग को ओनली रील और स्टोरी देनी थी, तो उसके लिए हम आए थे हम और सिस्टर। एक्चुअली हम कभी आते नहीं हैं अकेले, ये फर्स्ट टाइम मेरा आने का था विज़िट का, वो मैं मना भी कर रही थी, वो बोली नहीं मैम जाइए जाइए, तो इस वजह से मैं आई हूँ, और वरना मैं कभी कहीं विज़िट करने अकेले के मारे नहीं जाती हूँ, ये कभी चलते नहीं है साथ में और अकेले मैं जाती नहीं हूँ। तो गुनगुन आए थे, मैंने कहा चलो तो दूर तो नहीं है, तो बोली नहीं दीदी चलो, तो फिर इस वजह से दो लोग होते हैं ना तो ठीक रहता है। तो इनका हेयर कट पूरा हो चुका है देख सकते हैं, और अच्छे से लेयर्स वगैरह हेयर कट का अच्छा आया है, और अब ये बाल उनके सेट कर रहे हैं, तो फाइनल लुक देख सकते हैं ये है, तो बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। तो ये है ग्लिच का, अब हम लोग का मतलब वीडियो शूट हो चुका था, फाइनल हम लोग का सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था, और बस अब हम लोग लास्ट में बैठे थे और थोड़ी बहुत इमेज ली, और इमेज के बाद हमने बात की वहाँ की दीदी से, मतलब जो हम लोग को मैम मैम खरी थी, तो दीदियों से बात की, तो ये गुनगुन और हम यहाँ पे हैं, और बस जो दीदी हैं बगल में जो एक बैठी थी पहले वाली, तो ये भी यहाँ की स्टाफ है, उन्हें शर्म आ रही थी थोड़ा। और यहाँ आप देख सकते हो कि दूसरी दीदी जिन्होंने मेरा स्पा किया, और देखिए दीदी क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बोल रही थी कि आपका ब्लॉग मैं ज़रूर देखूँगी। अच्छा किया ना, मतलब रिलैक्स हो गया हेयर स्पा पे, तो उन्होंने अच्छे से मतलब बैठे बैठे ही हाथ पैर भी, मतलब पैर नहीं सॉरी हाथ दबा दिए अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, मसाज हो गया मसाज हो गया और कटिंग भी हो गई, हेयर कटिंग। तो मैं घर जाके बताऊँगी कैसे क्या हमको, मैं क्या वर्क कर रही हूँ। तो अभी तो हम निकल रहे हैं देख सकते हैं, ये है सिटी सेंटर मॉल, सेकंड फ्लोर पे है यहाँ पे ग्लिच स्टूडियो, तो जिसको भी आना है यहाँ पे आ सकता है, बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं तो बोलूँगी कि सभी आए यहाँ पे। तो बस अब घर की ओर निकलते हैं हम। लच्छर देखो कहाँ लगी है, यहाँ क्या करें, कटिंग कैसे हुई मेरी बताइएगा गाइस, मेरा और इनका कटिंग। चलो चलो, तो वहाँ पे मेरी उन्होंने यूट्यूब का आईडी और इंस्टा की ली थी, क्योंकि मेरे 100K फॉलोवर्स प्लस है इंस्टा पे मोनिका आलोक दुबे से, तो देख सकते हैं आप लोग जाके। और यहाँ पे हमने ली है कुछ फ़ोटोशूट, तो आप देखिए। सब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो गाइस अब हम आ गए हैं ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास, अब यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, देर हो जाएगी शायद, चाबी हम एक तो अपने साथ ले आए हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है घर पहुँचते हैं। तो गाइस हम लोग मेट्रो स्टेशन बैठ गए थे और ये ऑफिस से जल्दी आ गए थे, और चाबी मेरे पास थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जल्दी पहुंच जाए। तो हमारा आगे का व्लॉग देखने के लिए कि हम क्या करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, तो आगे व्लॉग ज़रूर देखें।